नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है पेपर 7 पार्ट 1 के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियां क्या क्या है, इसकी चर्चा आज हम यहां पर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कि कौन से धारा है जिसमें इस आयोग को शक्ति बात कही गई है। धारा नंबर है 12। किसमें? धारा 12 में राष्ट्रीय मानव अधिकार को कौन कौन से कार्य हैं, क्या क्या उसकी शक्तियाँ हैं, चर्चा यहाँ पर किया गया है। इन शक्तियों को हम यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या शक्तियाँ यहाँ पर दिया गया है। पहले यहाँ पर जो शक्ति है, सबसे पहला हम शक्ति देखें, नंबर 1 जो शक्ति है वो है कि कोई भी मानव अधिकार से जुड़ा हुआ, कोई भी मानव अधिकार से जुड़े हुए मामले होंगे, मानव अधिकार के उल्लंघन से जुड़े मामले होंगे, अर्जी दायर करना। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पर, हम 4 महत्वपूर्ण, पहले हम यहाँ पर देखते हैं नंबर 1 शक्ति, यहाँ पर 4 शक्ति। पहला जो शक्ति है पहले लिख लेते हैं, नंबर कौन सी शक्ति यहाँ पर है, नंबर 1 शक्ति यहाँ पर अर्जी स्वीकार करना, अर्जी स्वीकार स्वीकार करना, यानी कोई व्यक्ति है जिसको लगता है उसे मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, वह व्यक्ति क्या कर सकता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वहां पर रख सकता है। अगर वो चाहता है तो अपने राज्य के राज्य मानव अधिकार आयोग है वहां बात रख सकता है, वहां लगता है कि मामलों को नहीं सुना जा रहा है तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ही वो क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है, आवेदन कौन कर सकता है, यहाँ पर स्वयं जो पीड़ित व्यक्ति है, स्वयं पीड़ित व्यक्ति है सकता है, या फिर आयोग या आयोग का अध्यक्ष सदस्य वो अपनी स्वप्रेरणा से भी आवेदन ग्रहण कर सकते हैं, या अपने नॉलेज में आते ही क्या कर सकते हैं, संबंधित क्षेत्र मानव अधिकार उल्लंघन का एक जांच करने के संबंध में काम यहाँ पर कर सकते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पहला काम है अर्जी स्वीकार करना। अर्जी कैसे स्वीकार करें, कोई पीड़ित व्यक्ति खुद आवेदन कर सकता है, पीड़ित व्यक्ति के परिवार जन कर सकते हैं, या फिर जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य है स्वप्रेरणा से भी क्या कर सकता है, इस क्षेत्र के लोग मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो जांच संबंधी कार्य वहां पर कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जो कार्य है नंबर टू आ जाते हैं फिर ध्यान रखना यहाँ पर, तो क्या है नंबर दूसरा है लंबित मामलों पर कार्रवाई करना, लंबित मामलों पर कार्रवाई करना। मान लीजिए कहीं पर किसी व्यक्ति को पकड़ कर रखा गया है, ध्यान रखना उसके ऐसा शिकायत उस पर नहीं जा रहा है, क्या वो सुन लिया गया, आगे मामला आगे बढ़ नहीं रहा है, ऐसे में जो किसी कह सकते हैं पुलिस थाने में हो सकता है, किसी कार्यालय में हो सकता है, तो कोई मामला जो क्या है पेंडिंग है, लंबित है, कोई मामला कोई क्या है लंबित है किसी कार्यालय में हो सकता है, थाने में हो सकता है, कार्यालय हो सकता है, कोई थाना हो सकता है, थानों में हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना, या कोई न्यायालय में हो सकता है, ऐसे मामलों को शीघ्र सुनवाई हो इसको आश्वस्त करना, इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाने की दिशा की संज्ञान लेने काम करता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग करता है। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हम इस साइड में बना रहे हैं इसको जो है, अगला नेक्स्ट आते हैं और क्या करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यहाँ पर ध्यान रखना है वह है संविधान का संरक्षण करना, संविधान में जो प्रावधान है विशेषकर भाग तीन में क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है राइट्स को खासकर क्या करता है प्रोटेक्ट करने का संरक्षित करने का काम करता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो मानव अधिकार क्या है, तो एक मानव व्यक्ति के मानव होने के नाते उसके जीवन के संपूर्ण विकास के लिए, उसे सामाजिक है आर्थिक है राजनीतिक है, उन सभी आयाम जिससे व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है वो सारे अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है। अब भारतीय संविधान की बात करते हैं, भारतीय संविधान का भाग जो 3 है इसमें मौलिक अधिकारों की व्याख्या किया गया है, और कहीं ना कहीं जो अधिकार है वही हमारा मानव अधिकार
ये आश्वस्त करता है कि संविधान में जो बातें कही गई है एक किया गया है नागरिकों अधिकार की, नागरिक स्वतंत्रता की, वो बड़ी रह सके, आश्वस्त करना, सुनिश्चित करने का काम करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर करता है। फिर मानव अधिकार के दिशा में शोध करना, रिसर्च करना, अधिकार के दिशा अधिकार पर, मानव अधिकारों पर शोध कर, शोध करना मतलब क्या होता है, किस क्षेत्र में मानव अधिकारों की, यानी भारत में बात करते हैं, भारत में मानव अधिकारों की स्थिति क्या है, किस क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, कौन से वर्ग प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है, इसमें महिला ज्यादा है कि बालिका ज्यादा है कि दोनों है, या विवाहित महिलाएं हैं, ठीक है, या कोई कह सकते हैं जो बुजुर्ग व्यक्ति है क्या वो है क्या, तो जो बंदी गृह जेल है क्या वो है क्या, ये मानव अधिकार जो उसको दिया गया है, मान लीजिए एक बंदी है जेल बंद है तो उसको मानव अधिकार प्राप्त है, मानव अधिकार प्राप्त है। आजकल हथकड़ी बनाना क्या है, बांधना क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बैन कर दिया है, लेकिन कोई बहुत ही गंभीर केस है जहां अपराधी जो फरार हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, तभी क्या है बंदी आपको हथकड़ी पहनाया जाएगा, अन्यथा आपको हथकड़ी पहनाने का अधिकार आपको नहीं है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति चाहे हो सकता है कि जेल गृह बंद हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष, चाहे सीनियर हो, या किस प्रकार से उनके अधिकारों को अथवा नहीं किया जा रहा है, और नहीं किया जा रहा है जहां उल्लंघन हो रहा है कौन है, कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो रिसर्च करने काम करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। फिर यहीं पर और हम बना सकते हैं, यहाँ पर क्या बनाएंगे, जेल है, बंदी गृह है, अन्य भी ले लेते हैं, यहाँ पर जो हमारा बंदी गृह वगैरह है क्या है, बंदी गृह है, तो वहां का निरीक्षण करना है, बंदी गृहों का या जेलों का निरीक्षण करना, ठीक है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, मानव अधिकार जो कानून है उसका अध्ययन करना। नेक्स्ट आते हैं क्या क्या, जेल गृह हो या बंदी गृह हो, बंदी गृह हो का निरीक्षण करना, निरीक्षण कर, ठीक, तो जेल है, ठीक है, क्या है, जो जेल है, बंदी गृह है, लॉकअप है, ध्यान रखना वहां पर किस प्रकार से बंदियों को, यानी कि जो कैदी है उनको कैसे रखा जा रहा है, पर्याप्त स्पेस है कि नहीं है, पर्याप्त खाने की चीजें हैं, पहनने की चीजें हैं वहां पर, और दूसरे एक्टिविटी के लिए संसाधन है कि नहीं है, क्या करता है, निरीक्षण करके काम यहाँ पर करता है, ठीक, कि उनको भी सभी सुविधाएं वहां पर उनके कह सकते हैं सर्वाइव करने के लिए आवश्यक वहां सुनिश्चित करने का काम यहाँ पर करता है। ये हो गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय संधि है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन करना ताकि उसके हिसाब से दिशा निर्देश जा सके, अध्ययन। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार जुड़े संधि है, समझौते हुए हैं, संगठन बने हुए हैं, पर रिसर्च करता है, अध्ययन करता है ताकि उसके हिसाब से क्या कर सके, कार्रवाई यहाँ पर किया जा सके। फिर एक और पॉइंट यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक, सवाल कितने में आएगा, सवाल पूछता है 8 नंबर 8 से 10 नंबर सवाल पूछता है, इसलिए बता रहा हूँ आपको जो है, और मामला आप एड कर सकते हैं, आतंकवाद से जुड़े हुए, आतंकवाद और दूसरे जितने भी ऐसे एक्टिविटी होते हैं, मूवमेंट होते हैं जिससे व्यक्तिगत मानव अधिकार उल्लंघन होता है, के निवारण के लिए सिफारिश करना। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, आतंकवाद, आतंकवाद कम ऐसे ही अन्य विधियों के कारण हेतु, कारण हेतु पाए पाए सुनिश्चित करना, ठीक, क्या है, ये हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 12 नंबर 12 के अंतर्गत प्राप्त बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति यहाँ पर है, ठीक है। इन सब के अलावा जो सिविल अधिकार की शक्ति अपने पास खुद के अपने क्या होता है, जांच दल होता है, वो जांच दल जो है संबंधित मामले का जाकर उस क्षेत्र में जो लोग मानव उल्लंघन हुआ है की स्थिति पर सुनवाई कर सकता है। कोई भी केंद्र का हमारा शासकीय विभाग हो, राज्य शासकीय विभाग, उनके अधिकारियों को अपने इस जांच के लिए, मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधित जांच के लिए मांग सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आवश्यकता पड़ेगा तो संबंधित जो विभाग है या विभाग के अधिकारी है
को अपने काम पर लगा सकता है। हाँ, अगर यहाँ पर कोई अधिकारी, अगर कोई केंद्र अधिकारी है, राज्य अधिकारी है, कोई विभाग है, कोई ऑफिस है, अगर वो नहीं कर पाते हैं, उसको फिर अंदर बताना पड़े कि कारणों से एक्शन नहीं लिया गया या फिर यहाँ पे कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है, उसको फिर अंदर बताना यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी कमी यहाँ पर ये है कि ये जो संगठन है, ध्यान रखना, परामर्शदात्री संस्था है, यानी अपने परामर्श दे सकता है, केंद्र सरकार उस परामर्श मान सकता है नहीं मान सकता है, सरकारी अधिकारी मान भी सकते हैं नहीं मान सकते, लेकिन एक महीने अंदर जो है क्यों नहीं माना गया उसके कारणों को इस आयोग को बताना यहाँ पर पड़ता है। सेकंड, राष्ट्रीय मानवाधिकार या राज्य मानवाधिकार आयोग, ध्यान रखना, ये 1 साल के अंदर ही, 1 साल के अंदर, मतलब जहां पे घटना घटित हुआ है वहां से ठीक 1 साल के अंदर अगर मामला इनके पास आता है तभी सुनवाई करते हैं, इनको पावर नहीं है 1 साल से अधिक के मामले, जहाँ 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है मानव अधिकार के पर सुनवाई ये नहीं कर सकते। क्लियर है, ये अधिकारों को आपको ध्यान रखना है, काम का है। ठीक, इसके अलावा भी कि मानव, और अगर आप लिखना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, मानव अधिकारों के को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार करता है, संगोष्ठी आयोजित करता है, शिविर लगाता है, जागरूकता फैलाने का भी काम यहाँ पर राष्ट्रीय मानव आयोग जाता है। ना बताने का क्या पर्पस है, पर्पस ये है, ये जो संगठन है इस संगठन से जुड़ा हुआ कितने नंबर का, ये 8 अंक का आ सकता है, ये 15 अंक का प्रश्न अपने आप में पूछा जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान यहाँ पर रखने हैं। तो क्या क्या और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं पॉइंट भी, क्या पॉइंट यहाँ पर और ऐड कर, ये काम क्या करता है, अन्य अगर हम देखें 1 से 2 पॉइंट और ऐड कर लीजिए, चूंकि 15 नंबर पूछा जाएगा तो आपको समझाना भी रहे, उदाहरण देकर क्या क्या बताएंगे यहाँ पर भाई, क्या करता है लेते हैं यहाँ पर, पहला छोटा सा लेते हैं यहाँ पर, जागरूकता फैलाने काम करता है, प्रचार प्रसार करने काम करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है एक परामर्श देने का काम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या वर्ड लिखेंगे, पहला वर्ड आप लिखेंगे जागरूकता, मानव अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, अवेयर किया जा सके, संगोष्ठी आयोजन करना है, विभिन्न प्रकार के शिविरों का आयोजन करना है, यहाँ पर कह सकते हैं संगोष्ठी, संगोष्ठियों का आयोजन कर, ठीक है, इसके अलावा फिर प्रचार प्रसार के लिए क्या है, पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, प्रचार प्रसार, ठीक है, प्रचार प्रसार का आयोजन यहाँ पर किया जाता है ताकि मानव अधिकारों को प्रोटेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल, ध्यान रखना। तो आजकल ये जो आयोग है अपना कह सकते हैं जो डिफरेंट जो साइट है, चाहे ऑनलाइन का हो चाहे ऑफलाइन माध्यम से जाता है, क्या हो अवेयर यहाँ पे किया जा सके। ठीक है, यहाँ जागरूकता हो गया, प्रचार प्रसार हो गया, और साथ साथ कह सकते हैं जितने भी हमारे राज्य मानव अधिकार आयोग है उनके भी समन्वय करने का काम यहाँ पर करता है। ठीक है, समन्वय राज्य स्टेट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होते हैं, SHRC होते हैं, सिस होते हैं, राज्यों के मानव अधिकार आयोग होते हैं, के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम यहाँ करता है। क्या अधिकार है, सिविल अधिकार प्राप्त है, सिविल अधिकारिता प्राप्त होती है, किसी केस प्राप्त होती है, किसी केस में मान लीजिए सुनवाई कर रहा है, प्राथमिक जो जानकारी उनके पास आया हुआ है, तो उसके आधार पर जो पीड़ित व्यक्ति है उसको तुरंत क्या करने के लिए, आर्थिक सहायता देने के लिए, उसको पुनर्वास के देने के लिए, ध्यान रखना, या उसके जो उल्लंघन हुआ है मानव अधिकारों का, तो उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में रिट संबंधी कार्रवाई करने के लिए क्या है, ये रिकमेंड कर सकता है, आगे कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है। ये सारे इनके पास क्या है, कार्य और शक्तियां हैं जिनको ध्यान यहाँ पर रखना है। क्लियर है, जब कार्य शक्ति पूछेगा तो पॉजिटिव चीज बताना है, जो है निगेटिव बताने की आवश्यकता नहीं, परामर्श देता है केवल 1 साल के मुद्दे है, इसको अगर आप नहीं लिखेंगे यहाँ पर चल जाएगा जो है। क्लियर है, अब ये तो हम बात करें धारा 12 में, अब आते हैं जी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो धारा नंबर 13 क्या कहता है, यहाँ पे धारा नंबर जो 13 है ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को जांच की शक्ति देता है, जांच करने क्या क्या, इसमें धारा नंबर 13 बताया गया है, धारा 12 में कार्य और शक्ति है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर सर पूछता है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्य एवं शक्ति बताइए, यही सेम कार्य शक्ति किसका है, राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग का भी रखना, बस यहाँ बता देना है कि धारा 12 में जो उल्लिखित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो कार्य शक्तियां हैं
वही कार्य सकते हैं राज्य स्तर पर, किसका, राज्य मानव अधिकार आयोग की भी सकती है, कार्य सेम है वहां पर, क्या है सेम रहेगा, उसको ही आप क्या करें, इन्हीं को क्या है पॉइंट वाइज लिखकर आपको लिखना रहेगा, अलग से लिखने आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। ये नेशनल लेवल पे काम करते हैं, वो अपने राज्य स्तर पर काम करते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं, वो है धारा नंबर 13। धारा 13 क्या कहता है, धारा नंबर 13 में है जो नेशनल वन राइट मिशन है, मिशन की जांच की शक्ति, क्या जांच जांच व्याख्या करता है, जांच शक्ति व्याख्या करता है। धारा नंबर कौन है, धारा नंबर 13 है, इसमें इन शक्तियों को यहाँ पर बताया गया है। इसके अंतर पहला जो काम यहाँ पे करता है, ध्यान रखेंगे, काम करता है यहाँ पर जो साक्षी हैं उनका करना, वादी प्रतिवादी को समन करना। यहाँ पर हम लेते हैं कुछ स्टेप ले लेते हैं पहले, ठीक है, सिम हो सके। पहला तीसरा क्या क्या आएंगे, पहला साक्षियों को, साक्षियों वादी प्रतिवादियों को, साक्षियों साक्षियों समन का मतलब होता है कि लेटर भेजवाना, जिस लेटर को देखकर जो ऐसे व्यक्ति जो क्या होंगे, जिन्होंने देखा है कि वहां किसी व्यक्ति की मानव अधिकार उल्लंघन हुआ है, उस व्यक्तियों ऑफिस में जहाँ सुनवाई करते हैं वहां पर क्या है उपस्थित होने बुलाया जाएगा, और उपस्थित होकर आप बताइए क्या क्या आपने देखा, पर आपने इस पर आपने क्या क्या आप यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर साक्षियों को समन कर सकता है, वादी प्रतिवादियों को हाजिर कराना, वादी है प्रतिवादी है, वादी है इसको हाजिर कराना, हाजिर करवा सकता है कराना। ठीक, अब इनको हाजिर कराया जाएगा, भाई इन लोगों ने क्या देखे हैं, कहाँ पे उस समय कहाँ पर थे, क्या काम कर रहे थे, पूछेगा जो है कैसे पूछेगा, एफिडेविट पर जो है, ठीक है, एफिडेविट पर उससे साक्ष्य लिया जाएगा, किस पर, एफिडेविट पर, प्रमाणित साक्ष्य, एफिडेविट पर साक्ष्य, एफिडेविट पर साक्ष्य लिया जाएगा, भाई कि आप जो भी कहते हैं लिखित में हमको बताइए, जो है ऐसे बोल कर काम नहीं चलेगा, एफिडेविट में आपको यहाँ बताना यहाँ पर रहेगा। ये धारा 13 यहाँ पर कहता है, तो साक्ष्य को समन करना है, हाजिर कराना है, शपथ परीक्षा करना, एफिडेविट मतलब शपथ पत्र पर, फिर आता है किसी जो एफिडेविट मतलब शपथ पत्र, एफिडेविट मतलब शपथ पत्र कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, शपथ पत्र भी कह सकते हैं, शपथ पत्र पर कोर्ट में ध्यान, कोई भी बात होता है किस पर होता है, एफिडेविट में होता है, कोई बात है बुक से लिखा है कि आपको लिखित में आपको उसको देना पड़ता है, आपने कौन बातें किस मसले किस मुद्दे पर आपने कही। तो तीन काम हो गया, इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं जी, उसमें हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर अगला काम क्या करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट काम यहाँ पे करता है भाई, अगर किसी कोर्ट में, किसी ऑफिस कार्यालय में, किसी कार्यालय में क्या है आपका अभिलेख मंगाना है, किसी कार्यालय से अभिलेख मंगाना हो, कार्यालय से अभिलेख मंगाना हो, अगर कोई साक्ष्य है, कोई नमूना है, तो उसको सैंपल भेजना हो, लैब में भेजना हो, ठीक है, प्रयोगशाला में भेजना हो, भेज सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना क्या क्या यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है आपका, नेक्स्ट आ रहा है किसी कार्यालय से, किसी ऑफिस से क्या मंगा सकते हैं, शासकीय अभिलेख मंगाना, किसी कार्यालय से शासकीय अभिलेख प्राप्त करना, अभिलेख प्राप्त करना, ठीक है, कोई कार्रवाई चल रहा है, उस कार्रवाई के संबंध में किसी ऑफिस कार्यालय का नाम आता है, और कोई व्यक्ति वादी या प्रतिवादी जो बोलते हैं उस टाइम में उस ऑफिस काम करवा रहा था, ऑफिस से क्या है उस कागज को मंगाया जाएगा कि हाँ ये क्या व्यक्ति उसमें गया था कि नहीं गया था, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर किसी कार्यालय से अभिलेख को प्राप्त करना जो है, ठीक है। फिर साक्षियों के उस जो दस्तावेज जो एफिडेविट होगा जो पेश करेंगे, जो साक्ष्य पेश करेंगे क्या कर सकता है, उनको वेरीफाई करा सकता है, उसका प्रमाणीकरण करा यहाँ पर सकता है। इन सब के अलावा तो प्रमाणीकरण बोल सकते हैं, दस्तावेजों की परीक्षा भी आप यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, दस्तावेजों की, साक्षियों की, दस्तावेजों की, साक्षियों दस्तावेजों दस्तावेजों का परीक्षण कराना,
जानकारी यहाँ पर भेजा गया है, दिखाया जा रहा है क्या वो सही है कि नहीं है। फिर यहाँ पर जांच के संबंध में एक हो सकता है कमीशन निकालना भी हो सकता है, क्या हो सकता है, किसी संबंधित डॉक्यूमेंट है ध्यान रखना, कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है उसको वेरीफाई कराने के, कमीशन निकालने का भी जो इसके पास पावर यहाँ पर होगी जो है। तो हम क्या कर सकते हैं, साक्षियों या दस्तावेजों परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, किसके लिए, दस्तावेजों के परीक्षण के लिए साक्षी हो सकता है या फिर दस्तावेजों के परीक्षण यहाँ पर हो सकता है। ठीक, दस्तावेजों एवं साक्षियों के परीक्षण के लिए दस्तावेजों साक्षियों के परीक्षण के लिए परीक्षण निकालना, ये सारे शक्तियां प्राप्त यहाँ पर होती है। जांच की शक्ति से प्राप्त होता है आपके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को प्राप्त यहाँ पर होता है, और यही सारा पावर आपके स्टेट लेवल पर आपके राज्य मानव अधिकार आयोग को यहाँ पर होता क्लियर है। फिर आपको ध्यान यहाँ पर रखना है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार केवल एक साल वाले जो केस होते हैं, एक साल के अंडर, मतलब एक साल ज्यादा हुआ है तो हम लोग सुनवाई नहीं करेगा, एक साल के अंदर वाले करता है। फिर इनके पास अपना खुद का जांच दल होता है, जांच में अगर मान लो पाया जाता है पीड़ित का वाकई उसे मानव अधिकार उल्लंघन हुआ है, तुरंत उसे क्या कर सकते हैं भाई, उसको आर्थिक सहायता हेल्प कराया जा सकता है, उसके मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए, हाई कोर्ट में सुना जाए, उसके पास रिट अधिकार का प्रयोग करने की पावर यहाँ पर होता है। या फिर कह सकते हैं कि ये जो कमीशन सिफारिश करेगा सिफारिशों के हिसाब से जो राज्य सरकारें हैं जो प्राधिकरण है एक्शन लेना पड़ेगा इस संबंध में क्या करता है, ये सिफारिश यहाँ पर कर सकता है कि ताकि पीड़ित जो व्यक्ति है जिनकी मानव अधिकार उल्लंघन हुआ है तो उसको तात्कालिक सहायता यहाँ पर कराया जा सके। क्लियर है, तो ये दो बातें आपसे पूछा है, ध्यान रखना अनुच्छेद 12 और 13 में, 12 और 13 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को क्या क्या शक्तियां और पावर दिया गया, कार्य दिया गया, उनको आप इन बातों को वहां पर एक्सप्लेन यहाँ करना होगा जो है। अब इन टॉपिक के बाद, इन सब चर्चाओं के बाद हम बात करें अब क्या बच जाता है इस आयोग, इस अधिनियम में, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में, तो कुछ बेसिक बातें और आपको जुड़ जाता है। जैसे क्या, यहाँ पर कुछ अन्य बातें हैं, जैसे कि एक दो नंबर सवाल पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा, एक होता है जी ध्यान रखना विशेष लोक अभियोग होता है मानवाधिकार न्यायालय, मानवाधिकार न्यायालय, एक होता है विशेष अभी विशेष लोक, फिर इन दो बाद हम बात करते हैं हमारे क्षेत्र राज्य मानव अधिकार आयोग, चार बातें हैं जिनको ध्यान यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर आता है कि मानवाधिकार न्यायालय कहाँ पर होता है, ध्यान रखना कोई मानव अधिकार से जुड़े हुए केस आता है तो उनकी सुनवाई कहाँ पर किया जाएगा, मानवाधिकार न्यायालय में यहाँ पर किया जाएगा। इसके सब प्रावधान धारा नंबर 30 में किया गया, इसका प्रावधान कहाँ पर किया है, धारा नंबर 30 में, धारा 30 में मानवाधिकार न्यायालय के गठन की बात किया गया है, कहाँ पर किया है, स्तर पर किया जाता है, स्तर पर किया जाएगा, कौन करें, राज्य सरकार करेंगे, राज्य सरकार यहाँ पर क्या पर्पज, मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी वादों पर सुनवाई करने की। अब कोई व्यक्ति है जो बहुत ही गरीब वंचित है ध्यान रखना और उसके पास अपना वकील लगाने का पावर नहीं है तो उसे हम क्या देते हैं, विशेष लोक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो पीड़ित व्यक्ति केस को यहाँ पे लड़ता है उसे हम बोलते हैं विशेष लोक अभियोजक, आम बोलचाल में इसे हम सरकारी वकील यहाँ पर कह देते हैं, ध्यान रखना क्या होगा तो होंगे पीड़ित पक्ष, पीड़ित जिसके मानव अधिकारों को उल्लंघन हुआ है, पीड़ित पक्ष की तरफ से केस लड़ता है सुनवाई भाग लेता है, पहली बात
किसे विशेष लोक बनाया जाएगा, ऐसे व्यक्ति जो 7 वर्षों से क्या कर रहा है, विधि व्यवसाय कर रहा है, उसे विशेष लोक यहाँ पर जाता है। वर्ष का 7 वर्ष तक काम कर रहा हो यहाँ पर कहा यहाँ पर जाएगा जो है। ठीक है, बातें आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, तक सात विगत 7 वर्ष नहीं, कम से कम यहाँ पर विगत 7 वर्षों, 7 वर्ष या लगातार नहीं हुआ तो भाई सारे जब भी विधि व्यवसाय किया है तो सबको काउंट करने के बाद 7 साल। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो 7 वर्षों तक ऐसा व्यक्ति जो 7 वर्षों तक ऐसा व्यक्ति जो 7 वर्षों तक विधि व्यवसाय कर रहा हो, व्यवसाय वक्ता के रूप में, वक्ता के रूप काम करता है, अधिवक्ता कार्य कर रहा हो, कार्य कर रहा हो, किया हो, हम बना सकते हैं, विशेष लोक बनाया जा सकता है। ये कौन बनाता है, कौन प्रोवाइड कराता है, स्टेट गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड यहाँ पर कराता है। अब बात आता है छत्तीस राज्य मानव अधिकार आयोग। तो जैसे मैंने आपको बताया जो है ध्यान रखना, यहाँ पर धारा नंबर जो क्या है इसमें क्या है, राज्य मानव अधिकारों के गठन की बात किया गया है। धारा 3 में क्या बात किया है, धारा 3 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन की बात किया गया है, और 21 में राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन की बात किया गया है। उसी धारा नंबर 21 में भारत के सारे राज्यों में क्या है जी, राज्य मानव अधिकार आयोग गठन की बात करते हैं। धारा कौन से उससे गठन हुआ है, इस अधिनियम के धारा नंबर 21 से हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर हमारा रायपुर में है, ध्यान रखना है आपको जो है। और इनके शक्ति कार्य शक्ति क्या होगा, इसके कार्य शक्ति वो केंद्रीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जो धारा नंबर कार्य शक्तियां कह सकते हैं वह जांच ये किसके अनुसार होगा, ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, जो धारा नंबर 12 व 13 है, जो पावर धारा 12 और 13 में केंद्रीय या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्राप्त है, वही कार्य वही शक्ति वही जांच के जो पावर है, तो राज्य स्तर पर राज्य के राज्य मानव अधिकार आयोग को प्राप्त यहाँ पर है जो है। तो भाई सेम बातें आपको यहाँ पर भी लिख देते हैं, राज्य को राज्य जनरली पूछते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जांच शक्ति पूछते हैं, आप उनको ध्यान रखना, और गलती से पूछ दिया तो उन्ही बातों को यहाँ पर आप जो है लिख दीजिएगा जो है। क्लियर है, टॉपिक हमारा यहाँ तक कम्प्लीट है, हमने इस अधिनियम का या इस खंड कह सकते हैं पेपर 7 पार्ट 1 का, और जो हमने शुरुआत से सिलेबस के अनुसार क्लासेस कर रहे हैं उसके अंदर पहला अधिनियम यहाँ पर कम्प्लीट होता है। इसके साथ साथ एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ जिसको ध्यान रखना है। होमवर्क क्या है, जिस प्रकार से देश स्तर पर राज्य स्तर पर इन आयोग की स्थापना किया गया है, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आयोग काम करता था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक, क्या काम करता था पहले, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पहले काम करता था, उसको बाद में हमने रिप्लेस कर दिए हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र भी कह सकते हैं, पहले क्या काम करता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड लेवल पर, यहाँ पर विश्व स्तर पर काम करता था, उसका नाम था ध्यान रखना राष्ट्र राष्ट्र मानवाधिकार मानवाधिकार आयोग काम करता। लेकिन 2006 में क्या कि हमने 2006 में इसको रिप्लेस कर दिए हैं, 2006 में इसको रिप्लेस कर दिए हैं, और इस पर क्या बनाए हमने जो है, इसके स्थान पर हमने बना दिया परिषद। कौन सा परिषद बनाए हैं, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार, सब कुछ सेम है, पर नाम जो है केवल आयोग जो हम क्या है परिषद काउंसिल हम बना दिए। और इसी को हम क्या कहते हैं शॉर्ट में, क्या कहते हैं जी, आप शॉर्ट में वर्ड लगा सकते हैं यूनाइटेड नेशन, क्या है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट परिषद काउंसिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएनएचआरसी, यूएनएचआरसी हमने बना दी कब, 2006 से। ठीक, क्लियर है, पूरा लिख दे क्या, पूरा लिख सकते हैं आप, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, मानवाधिकार परिषद बना दिया कब, 6 से। अब बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर आपका जिने कहां पर है, स्विट
स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। क्लियर है, दो तो बातें हो गया। इसका काम क्या है विश्व स्तर पर, कहाँ पर विश्व स्तर पर मानवाधिकारों संरक्षित करने का उल्लंघन के मामले हैं उनको दिशा काम कर रहा है। विश्व स्तर पर मानवाधिकारों को संरक्षित करने और जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर क्या है पीड़ित व्यक्ति है जिनका मानवाधिकार उल्लंघन हुआ है उनके अधिकारों को सशक्त करने की दिशा काम यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो विश्व स्तर पर मानवाधिकारों को संरक्षित करना तथा यहाँ पर उल्लंघन मामले आ रहे हैं तो उनके मानव अधिकारों को क्या करेंगे प्रोटेक्ट करेंगे संरक्षित करना है। ठीक है, तो विश्व स्तर पर मानव अधिकारों को संरक्षित काम करता है, अवेयरनेस बढ़ाने का काम करता है। वैश्विक स्तर पर जागरूकता सुनिश्चित कराना है, प्रचार प्रसार है, प्रचार प्रसार है, प्रचार प्रसार है, और सरकारों को सहायता करना है। कोई लॉ बना रहे हैं, कोई कानून बना रहे हैं, कोई संगठन बना रहे हैं, उसे इस प्रकार से मानव अधिकार उल्लंघन हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है पर भी सलाह देने काम यहाँ पर करता है। सलाहकारी वहन कर ये पूछ सकता है। दो नंबर के लिए तो ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात ये है यहाँ पर इसके कितने सदस्य हैं यहाँ पर ध्यान रखना और सदस्यों चुनाव कैसे होता है। पहली बात हो गया, अब आते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट नेक्स्ट याद रखना है आपको। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं, पहला भाई विश्व स्तर पर संगठन काम कर रहा है। अब आते हैं भाई नेक्स्ट, इस संगठन की हम बात करें बारे दो तीन बातें और जान लीजिए। क्या जानना है इसके बारे में, इस संगठन के बारे में जानना है, इसके सदस्यों के बारे में, इसके जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 47, लगभग 47 सदस्य, 47 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, 47 देश सदस्य है और एक देश के साल तक इसके मेंबर रहते हैं, तो 3 साल तक सदस्य रहते हैं और दो लगातार दो कार्यकाल के बाद फिर से तुरंत चुनाव इनका नहीं होता है, टाइम रुकना पड़ता है फिर जाके चयन इनका होता है। ठीक, कितने से 47 देश हैं, कितने समय तक मेंबर रहते हैं, 3 वर्ष वर्ष तक मेंबर रहते हैं, सदस्य रहते। ठीक है, और लगातार दो बार रहते हैं, लगातार दो बार रहने के बाद, दो बार रहने बाद अन्य अन्य का मिलता है। ये हो गया सदस्यों के बारे में ध्यान रखना। अब दूसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो देश है ध्यान रखना है कहाँ कहाँ से आते हैं उसको चाहे बता सकते हैं, आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। पर ये ध्यान रखना है दो बार लगातार रहने के बाद जो है तुरंत इसको तीसरी बार के लिए उस देश को जो है अगले तीसरे कार्यकाल के लिए चुना यहाँ पर नहीं जाता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है इनके बारे में दो तीन बातें और जानना है। क्या क्या बातें हैं, पहली बात ये जानना है आपको जो है कि इसका कार्य क्या है। तो कार्य हमने बात कर लिया यहाँ पर, तीन कार्य हैं। विश्व स्तर पर क्या करता है, नंबर एक मानवाधिकार को संरक्षण करता है, अवेयरनेस फैलाता है, कह सकते हैं एडवाइजरी वर्क करता है यहाँ पर जो ध्यान रखना है, क्या करता है एडवाइजरी वर्क करता है। तीसरा कार्य हमने देख लिए, कार्य देखने के बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो है दो बातें और ध्यान रखना है। क्या क्या, तो पहला इसके प्रक्रिया क्या क्या होती है, यहाँ पर आते प्रक्रिया, बस ये कभी अगर पूछ लेता है इसे बता रहा हूँ प्रक्रिया क्या होगा। यहाँ पर ये कुछ प्रक्रियाओं को करता है, जैसे कि नंबर एक, नंबर वन, नंबर टू क्या क्या करता है। एक है सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा, क्या करता है सार्वभौमिक सार्वभौम पर्सन सार्वभौमिक आवधिक 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 समीक्षा करता है। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं यूनिवर्सल, ठीक है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू करता है। इसमें क्या होगा कि इसके माध्यम से, इस समीक्षा के माध्यम से जो सदस्य देश है उन देशों में मानव अधिकार उल्लंघन कैसा हो रहा है, मानव अधिकार कितना प्रोटेक्ट है, संरक्षित कितना है अथवा उल्लंघन हो रहा है उसका काम करता है। सदस्य देशों मानव अधिकारों, ह्यूमन राइट, मानव अधिकार का आकलन करता है।
आकलन करता है कि वहां पर है मानवाधिकार दिया जा रहा है अथवा नहीं दिया रहा है। फिर सेकंड जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, सलाहकारी समिति होता है इसका, क्या होता है सलाहकारी, सलाहकारी समिति, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा हम बात करते हैं यहाँ पर जो है, ये होगा शिकायत प्रक्रिया के लिए। अगर कोई व्यक्ति नागरिक है शिकायत करना चाहता है तो शिकायत प्रक्रिया है जहाँ पर कोई नागरिक अपने, नागरिक हो सकता है संगठन है वो, इस परिषद को ध्यान दिलाने के लिए शिकायत यहाँ पर कर सकता है। फिर आते हैं वह होगा आपको जो है विशेष प्रक्रिया, संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया तरह के प्रक्रियाओं से गुजरता है, ध्यान रखना। क्या क्या है सलाहकारी समिति में कौन होंगे, तो मानव अधिकारों के जो विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, उनका थिंक टैंक, उनका थिंक टैंक यहाँ बैठता है। क्या होते हैं थिंक टैंक, चिंतकों की दल कह सकते हैं या विद्वानों का दल कह सकते हैं, जो क्या होते हैं मानव अधिकारों से जुड़े हुए विशेषज्ञ होते हैं जो सलाह देने काम करते हैं, उसे सलाहकारी समिति में कहा जाता है। ये जो भी संबंधित देश होते हैं वहां पर मानव अधिकारों से कैसे बेहतर सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं बिना किसी कानून के उल्लंघन किए हुए, बिना मानव अधिकार उल्लंघन किए हुए, उसमें रोल प्ले करते हैं थिंक टैंक सलाहकारी दल करते हैं। शिकायत प्रक्रिया कोई आम लोग या संगठन यहाँ पर इस संगठन को शिकायत कर सकते हैं। विशेष प्रक्रिया क्या होगा, सम्मेलन आयोजित करेगा, बैठकें यहाँ पर आयोजित यहाँ पर समय समय पर करता है, ये है प्रक्रिया, ठीक। इतनी बातें आपको विश्व स्तर के जो ये संगठन जो परिषद काम कर रहा है उनको आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। फिर कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि इस संगठन पर आरोप लगता है कि इन्होंने उन देशों को भी मेंबर बना रखा है जहां पर काफी बड़े स्तर पर क्या होता है मानव अधिकार उल्लंघन हुआ है। चाइना हो गया, रशिया हो गया, इरिट्रिया हो गया, क्यूबा हो गया, ये वो देश है जहां पर मानव अधिकार उल्लंघन हुआ है और उनको हम मेंबर यहाँ पर बना रखे हैं। असंतुलित फोकस है, इसराइल पर बहुत ही आलोचनात्मक फोकस किया गया था इसके द्वारा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा जो है, तो आरोप इनके ऊपर यहाँ पर लगते रहता है। लेकिन हमारा सवाल क्या है, सवाल है दो तरह पूछे, ध्यान रखना कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में क्या जानते हैं, जितना लिखना दो नंबर में मान लो पूछ लिया इसके प्रक्रिया के बारे में, मतलब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद क्या है इसकी प्रक्रिया बताइए, तो आप इन दोनों पर से लिखेंगे तो आपका 60 शब्द के आपका सवाल या 100 शब्द आपका सवाल बन जाए, दो नंबर, चार नंबर और आपका 10 नंबर का आपका शब्द यहाँ पर होना चाहिए, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी देखे, राज्यों का सेम लगा देना, राज्यों का सेम लगा दें कि हम अलग से इसके अध्यक्ष सदस्य देख चुके हैं, कार्य शक्ति जो केंद्र का है राष्ट्रीय वाला है उसी को राज्य में लगा देंगे। फिर ये आ सकता है दो नंबर चार नंबर आ सकता है, इसलिए आपको मैं यहाँ पर बताया जो है, यहाँ पर फाइनली हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 यहाँ पर होता है कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम बात करेंगे आपराधिक विधियों संविधान एवं आपराधिक विधियों महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया उनकी यहाँ पर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत।